नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुर्वेदिक डॉक्टर मुकुल शर्मा। दोस्तों आज हम ऐसी दवाइयों के बारे में बात करेंगे, ऐसी औषधियों के बारे में बात करेंगे जो हमारे घर में होना आज के टाइम बहुत जरूरी है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि एलोपैथिक ही दवाइयां इंस्टेंट काम करें, आयुर्वेदिक दवाइयां भी ऐसी होनी चाहिए घर में जो कि हमें इमरजेंसी में यूज की जा सके। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, ऐसी औषधियां हैं जो अपन घर पर रख सकते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं, जो कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं घर पर। फिर मैं आज आपको यही दवाएं बताने जा रहा हूं जो आप आसानी से घर में रखनी जरूरी है और आपको काम आएंगे फ्यूचर में। बहुत जरूरी है ये दवाएं आपको घर में रखना, जिसे आपको एलोपैथिक दवाएं नहीं लेनी पड़े कोई भी इमरजेंसी प्रॉब्लम्स पर। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली रिश्तेदारों दोस्तों तक ये पहुंचाइएगा, क्योंकि ये चीज पता होना जरूरी है कि घर में कौन सी आयुर्वेदिक दवाएं हम एनी टाइम रख सकते हैं जो हमें जरूरत पड़ती रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चित्रकारी वटी के बारे में। चित्रकारी वटी ये एक ऐसी औषधि है जो अगर आपका बदहजमी, खाना नहीं पचता है, पेट में एसिडिटी बनी रहती है, गैस बनती है, सही तरीके से पेट भारी भारी फील होता है, आपको पेट में ऐसा फूला हुआ फूल फील होता है, तो जब भी आपको ऐसा फील हो तो दो गोली सुबह दो गोली शाम आप ये खा सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। चित्रकारी वटी के नाम मैंने वीडियो में डाल दिया, आप देख लीजिएगा। और बहुत सस्ती चीज है ये, कोई खास इसके प्राइस भी नहीं है, 50-40 रुपए की चित्रकारी वटी आराम से मार्केट में मिल जाती है। बाकी मैं जितनी भी दवाएं बताने जा रहा हूं यहां, वो सारी दवाइयों की MRP आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक मिल जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो नहीं, ऑफलाइन मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। दूसरी चीज है अपने त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण क्यों होना जरूरी है? त्रिफला पाउडर ले सकते हो, त्रिफला आप टैबलेट्स भी आती है मार्केट में त्रिफला की, वो भी ले सकते हो। वजह यह है कि त्रिफला कभी भी कब्जी होती है तो बहुत काम आता है, रात को लेकर आप सो सकते हैं तो आपके कभी कब्जी की प्रॉब्लम नहीं रहती है और नहीं इसकी आदत बनती है। और शरीर एक त्रिफला एक ऐसी औषधि है कि शरीर में उम्र को बढ़ाता है। अगर आप रेगुलर इसका पानी पीते हैं तो आपकी जो उम्र है वो नॉर्मल 50 साल का व्यक्ति है वो 40 साल का दिखता है, 10 साल का डिफरेंस आसानी से आता है। और नेक्स्ट दवाई की अपन बात करेंगे, वो है अपने गिलोय वटी। इस वक्त गिलोय वटी घर में रखना इसलिए जरूरी है कि कोरोना चल रहा है, कोरोना के माहौल में गिलोय वटी बहुत काम आएगी आपको। गिलोय वटी इसलिए काम आएगी क्योंकि आपके परिवार के जो पूरे फैमिली मेंबर है, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, उनको अगर वो गिलोय वटी का सेवन कराया जाए तो उनकी इम्यूनिटी बनी रहेगी, और इम्यूनिटी बनी रहेगी तो कोई रोग नहीं होगा आपको, ये भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं अपन सीतोपलादी चूर्ण के बारे में। सीतोपलादी चूर्ण घर में, हर घर में होना बहुत जरूरी है, वो भी शहद के साथ। शहद और सीतोपलादी चूर्ण हर घर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शहद और सीतोपलादी चूर्ण का सबसे बढ़िया फायदा है, आप चाहे जुकाम खांसी किसी में भी इसको दे सकते हैं। अगर ये तो इस वक्त भी आप रख सकते हैं अपने घर में, कोरोना के माहौल में तो इसको रखना बहुत फायदेमंद होगा आपको। जुकाम खांसी नॉर्मली होती है तो भी अगर आप ये दवाई लेंगे तो आपके परिवार के बच्चों को, चाहे बूढ़ा हो चाहे वर्द हो या जवान हो या बच्चे हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आराम से एक चम्मच सीतोपलादी चूर्ण में एक चम्मच शहद मिलाकर अपने बच्चों को चटवा सकते हैं या वर्द को चटवा सकते हैं, युवा को चटवा सकते हैं, दिक्कत किसी को नहीं आएगी। ये सीतोपलादी और शहद रामबाण औषधि का काम करेगा आपके। अब बात करते हैं दोस्तों अपन आगे बढ़ते हुए कि और कौन कौन सी औषधि अपन रख सकते हैं घर में, बहुत जरूरी होता है अश्वगंधा। आप अश्वगंधा के 3-4 रूप होते हैं, एक तो अश्वगंधा अवले होता है, अश्वगंधा पाउडर होता है, एक अश्वगंधा अरिष्ट होता है, इन तीनों का काम अलग अलग होता है। अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, शरीर में कमजोरी रहती है घर में, अगर अश्वगंधा पाउडर रहेगा तो आप सुबह शाम एक एक चम्मच आप लेंगे तो आपको एक दिन में ही आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। या अवले भी लेके आ सकते हैं या पाउडर भी लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिमाग की शांति चाहिए, दिमाग आपका शांत नहीं रहता, तो वहां आप अश्वगंधा अरिष्ट ले सकते हैं। अश्वगंधा अरिष्ट बहुत काम करेगा आपके, इसमें सुबह शाम 2-2 ढक्कन पानी के साथ लेना है, खाना खाने के बाद बराबर पानी के साथ 2-2 ढक्कन उसके, यानी कि 10-15 ml पानी, 10-15 ml अश्वगंधा अवले।
बाकी दोस्तों ये सबसे माइनर चीजें हैं जो आप घर पर रख सकते हैं, संजीवनी वटी रख सकते हैं। संजीवनी वटी का मुख्य काम क्या करेगा, आपके बच्चों में बुखार है ऐसी चीजों में बहुत काम करेगा। अगर आपके परिवार में किसी को भी बुखार है तो आप वहां संजीवनी वटी खिलाएंगे सुबह शाम दो दो टैबलेट, तो वो बुखार आपका मिनटों में जा सकता है। ठीक है, ये तो बुखार तक आ गई। अब किसी के सिर में दर्द, सिर में दर्द भी किसी के अलग अलग होता है, किसी को रोज होता है, कभी कभी होता है किसी को, उसमें भी आयुर्वेद में है सिर सुलादी वज्र रस। ठीक है, या वटी में भी आएगा या रस रूप में भी आएगी, होगी टैबलेट रूप में सिर सुलादी वज्र रस, ये भी डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा, देख लेना। अब ये खाना कैसे है, अगर इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट की इसकी टेंशन नहीं है, रिजल्ट आराम से है, एक एक गोली सुबह शाम, ज्यादा है तो दो दो गोली, मतलब बहुत लंबे समय से अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो दो दो गोली ले सकते हो, वरना एक एक गोली आप आसानी से इसको सेवन कर सकते हैं। अगर आपको अभी पेन होना स्टार्ट हो गया तो आप दो दो गोली ले लो। आपको एलोपैथिक दवाइयों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में ही ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं। एलोपैथिक की तरफ अपन देखें क्यों, जब अपने आयुर्वेद में ऐसी ऐसी दवाएं हैं जो अपन घर में रख सकते हैं। मैंने आपको सिर सूल की बता दी है, मैंने आपको बुखार की बता दी है, मैंने आपको खांसी जुखाम की बता दी है, दिमाग की शांति, शरीर में कमजोरी, ये मेन मेन प्रॉब्लम्स आपके परिवार में फेस करनी पड़ती है रोजाना, तो वो मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और इन सभी दवाइयों को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपको डाल दूंगा, जिसे आपको आसानी होगी कहीं भी मिलने में और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल वीडियो देखिए, कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई शिकायत हो वीडियो से लेकर संबंधित, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के नीचे नंबर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।